तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वारा ब्लॉग्स। तो आज मैं दो टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे दिख रहा है रात है, पर मेरे को अपडेट करना था क्योंकि मैंने अच्छी चीज़ भी की है और पता नहीं उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, पर मैंने कर दी है। जैसे वीडियो के थंबनेल से ही पता चल गया रहेगा आप लोग को। मैंने ना कोविड वैक्सीन ले ली है, चाइनीज़ वैक्सीन है, सिनोफार्म करके एक वैक्सीन आ गया। आया तो कब का है, पन यूएई ने अप्रूव कर दिया, तो पूरे यूएई में अभी ऑलमोस्ट रन हो रहा है पूरा वो वैक्सीन से। मतलब सबको वही वैक्सीन अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कोई सर्टन रीज़न है, वो रीज़न मैं बात करना नहीं चाह रहा हूँ, वो छोड़ो, वो अलग बात है। पर मैंने वैक्सीन ले लिया है फाइनली। इंडिया में आने को थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब आम पब्लिक के लिए आने का टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि पॉपुलेशन ही इतना सारा है तो भाई टाइम लगेगा। इधर मेरे को फ्री में वैक्सीन जस्ट फर्स्ट डोज मिल गया है। जस्ट आर्म पे वो लोग ने मेरे को पूरा मतलब वैक्सीन इंजेक्ट किया है आर्म पे। कुछ नहीं, नॉर्मल इंजेक्शन जैसा रहता है वैसे ही जस्ट इंजेक्ट कर रहे हैं, और फर्स्ट डोज। और वो लोग ने बोला है 20 डेज के बाद सेकेंड डोज रहेगा। और लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि दुबई में वैक्सीनेशन चालू हो गया है फाइनली फ्री में, सब ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। मेरी कंपनी ने यूएई गवर्नमेंट के साथ कोलाबरेट किया था और वैक्सीन लगाने के लिए तो एक कैंप क्रिएट किया था, मतलब स्पेशली फॉर आवर, मैं जो कंपनी में काम कर रहा हूँ वो लोग के लिए, एम्प्लॉय के लिए। तो कुछ था नहीं, खाली एक यूएई आईडी नहीं तो पासपोर्ट था, वो सबमिट करना था और बस रजिस्ट्रेशन करो और लगा लो वैक्सीन, बस वही सिचुएशन था। और भाई सेकंड टॉपिक है वेदर, इधर का बहुत गंदा वेदर हो गया, मतलब इतना ठंडी हो रहा है भाई। मैंने मुंबई में भी इतना, मैं एक्चुअली मुंबई से हूँ, पर मैंने कभी मुंबई में इतना ठंडी देखा ही नहीं था। मतलब मैंने सोचा था भाई पूरा दुबई में गर्मी रहेगा पूरे टाइम, पर भाई मतलब पूरे टाइम गर्मी था ही नहीं दुबई में। अभी जो सिचुएशन है इतना ठंडी है ना, मैं मतलब सुबह बाहर आया था, आज का ही बात है, और सुबह जस्ट मैं बाहर निकला ना, ऐसा लग रहा था भाई पूरा, मतलब मैंने इमेजिनेशन नहीं किया रहेगा, इतना फॉग था ना, मतलब बाहर निकलोगा ना तो नेक्स्ट स्टेप दिखेगा ना, इतना फॉग था। मतलब ग्राउंड लेवल पे मुंबई में देखा इतना नहीं है फॉग, पर सर्टन लेवल के ऊपर देखा है, मतलब इतना नहीं देखेगा रहेगा आप लोग ने भी फॉग, मुंबई वाले रह गए तो समझ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा फॉग था, गाँव का अलग बात कर रहा हूँ, पर इधर का कुछ अलग ही सिचुएशन था सुबह का था और आज का। तो भाई मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ये जो फॉग था इतना। अभी मैं रोज का रोज तो अपडेट करते रहूँगा अपना वैक्सीनेशन का, मैं हर वीक को एक वीडियो डालूंगा। अभी 20 डेज के बाद मैं जो सेकंड डोज रहेगा उसके लिए भी वीडियो डालूंगा। अभी थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि मेरा चैनल का थोड़ा कंटेंट स्विच करने का सोच रहा हूँ। मैं एक मतलब एक मंथ में मैं 4 वीडियो तो अपलोड करता ही हूँ, तो मैंने सोचा है कि तीन वीडियो है ना दुबई के झरने के बारे में बताऊँगा। मतलब नॉर्मल रहेगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे क्या मतलब इधर सर्वाइव कर सकते हैं वो सब, और बाद में नेक्स्ट एक वीडियो रहेगा जो घूमने जाऊँगा। बस यही अपडेट था, अभी देखते हैं नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट वीक को मैं थोड़ा अपडेट देता हूँ मेरा जो वैक्सीन का सिचुएशन है कैसा हेल्थ में इफेक्ट गिरता है। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना भूलना मत।